ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 10 माइनस 1। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखो तो इस फॉर्म में है ना, ठीक है। आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं x माइनस a के साथ, व्हाट इज x एंड व्हाट इज a, ठीक है, क्वेश्चन से निकाल। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां से ध्यान से देखो, x रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। फिर x रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ओके। उसके बाद हम क्या करते थे, अलग अलग करके इसको सॉल्व आउट कर सकते थे, विच इज अगेन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसकी लिमिट अलग कर दो, नीचे वाले की लिमिट अलग कर देनी है, x रेज टू पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्लियर। देखिए अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करोगे, वो जो मैंने रिजल्ट आपको बताया था वही यूज होगा यहां पे, और डायरेक्टली आप वैल्यू जो है लिख सकते हैं। पर देखिए कैसे, देखो ये जो आपके पास है कि लिमिट x रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 15 सॉरी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज टू पावर 15 माइनस हम 1 रेज टू पावर 15 लिख सकते हैं ना, अपॉन क्या है आपके पास x माइनस 1 है, एंड डिवाइड में आपके पास फिर क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 क्या था x रेज टू पावर 10 माइनस 1 रेज टू पावर 10 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे वो फॉर्मुलाइज करके, तो क्या होता था वो n a रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, n a रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे n कितना है 15, a कितना है, a है यहाँ पे आपके पास 1, तो 1 रेज टू पावर 15 माइनस 1 दैट इज 14, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 रेज टू पावर 9, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट यूज करना है, तो आपके पास ये सॉल्व अप करके आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 एंड व्हिच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज किया आपने, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, जब आप ये यूज करोगे ना तो ये वाली चीज भी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे ये चीज को, ये x माइनस a, ठीक है। सबसे पहले क्या फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए डिवाइड कर दिया x माइनस a के साथ, जो x था a था गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से निकाल के डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपको पता है हम फॉर्मूला एलजेब्रा ऑफ लिमिट जो हमने पढ़ा पीछे प्रीवियस, जो मैं फॉर्मूला आपको बता रही थी कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, देन आप उसकी लिमिट अलग अलग करके उसको सॉल्व कर सकते हो। आपने उनकी लिमिट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद आपको पता है 1 रेज टू पावर 15 हम लिख सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, जनरली इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो यूज किया, एंड यू विल गेट योर आंसर। इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट
x approaches to 0, tan x, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ये याद रखना है, ठीक है, tan x upon x. अब अगर आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री से, तो tan जो है वो किस चीज के, tan को हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ करके, यह आ सकता है लिमिट x approaches to 0 sin x upon cos x, ठीक है, और x जो है as it is, तो x यहाँ पे as it is लिख दिया, ठीक है. अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो लिमिट x approaches to 0 sin x upon x, ये वाला टर्म आपने अलग कर दिया, ठीक है, डॉट लिमिट x approaches to 0 1 upon cos x बचा, वो भी हमने अलग कर दिया. अब क्या करेंगे, सिंपली हम सॉल्व करेंगे. तो जब आप 0 पुट करोगे, आपको पता है sin x upon x क्या होता है, अभी मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पीछे लिखवाया था कि लिमिट x approaches to 0 sin x over x क्या होता है, that is equals to 1, so this is 1, and आप यहाँ पे भी जो वैल्यू पुट करोगे, this is equals to again 1, so this is 1, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लिमिट x approaches to 0 tan x upon x जो है, ठीक है, वो भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है. अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला क्यों तोड़ा, तोड़ा इसलिए क्योंकि आपको पता है हमें एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, हम वो चीज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में भी लिमिट हमें अलग अलग करके देनी पड़ती है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करी और दिस इज योर आंसर, ठीक है. इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 4x upon sin 2x, क्या करोगे, हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे,